मुझे ना यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसा पिंच सा करता था कुछ, अब नहीं होता है। बीच में थोड़ा सा लाइफस्टाइल ही का सीन था, लाइफस्टाइल मेरा खराब हो गया था। तो इज दैट समथिंग जो मतलब प्रॉब्लम वाली चीज है या फिर नॉर्मली? नहीं, पिंचिंग हार्ट का पेन कभी पिंच नहीं करेगा नॉर्मली, बट पिंचिंग इज मोस्टली बिकॉज ऑफ मसल स्पाजम्स या हमारे जो फूड पाइप होते हैं ईसोफेगस, वहां पे अगर कोई अल्सर्स हैं कोई वहां पे स्पाजम हो रहा है। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. वहां पे एक पिंच करके छूट नहीं जाएगा, समझ रहे हैं? सो हार्ट अटैक भी ऐसा ही कुछ है, अगर हार्ट के एक हिस्से में खून सप्लाई रुक गया है तो केवल एक पिंच होके छोड़ नहीं देगा, वो होता रहेगा। तो हार्ट अटैक में कभी पिंच नहीं होगा, राइट? लेकिन आज के डेट में क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं आता। सो ऐसा भी होता है कि साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन हो सकता है उनकी सारी हाथों की नसें जो है खराब हो गई है, नर्व वाली जो सेंसेशन दे, लेकिन एक दो जगहों पर नसें, तो हो सकता है उनको सिर्फ एक पिंचिंग हो रही है, पिंचिंग हो रही है, समझ रहे? सो इसलिए हमें उस चीज को भी टेस्ट करके देखना होता है। सो चांसेस है कि आपके केस में नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में वो हार्ट का नहीं है, ज्यादा 90% चांस है कि वो मस्कुलर है, गैस्ट्राइटिस है, इसोफेजियल स्पाज्म है, अल्सर्स है, ऐसी कोई चीज है। अब इसका कितना होता है जीन से कितना फर्क? एग्जांपल, माय मदर वाज अ हार्ट पेशेंट। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा बड़ा। बट हार्ट की डायबिटिक में मैं समझ सकता हूं, हार्ट की प्रॉब्लम में होता है जी, हार्ट की प्रॉब्लम होता है बिकॉज हार्ट इज जस्ट लाइक एजिंग थिंग। सो अगर आपकी हाइट, आपकी मसल साइज, आपकी स्किन कैसी रहेगी, आपके बाल कैसे जल्दी जाएंगे, आपके बाल सफेद कब होंगे, ये सब आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और आप मान लेते हैं, हाँ जी मेरे पापा भी जल्दी हो गए थे इसलिए मैं भी जल्दी हो गया। तो सेम वे जो आपकी शरीर है वो बाहरी इन सारे जो इम्पैक्ट हैं जिसके वजह से हार्ट को बीमारी हो रही है उसको कितना अच्छे से झेल पाएगी, वाई नॉट, दैट इज जेनेटिक। तो वो भी जेनेटिक पोटेंशियल है आपका कि आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कितना जल्दी होगा, ब्लॉकेजेस कितनी जल्दी होंगे, कोलेस्ट्रॉल कितना जल्दी कंट्रोल होगा, कम खाने से कितने मोटे हो जाओगे, ऑल दीज आर जेनेटिक थिंग्स जो इम्पैक्ट करती है थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आपके हार्ट पे। तो इसीलिए ये बोला जाता है अगर आपके फैमिली में मदर फादर किसी को भी हार्ट अटैक एक एज पे आया है, 50 साल की उम्र में आया, 60 की उम्र में आया, तो आपका रिस्क 5 या 10 साल पहले का है, आपको 5 या 10 साल पहले आ सकता है।